हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामलिके। सो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम हल्टर नेक मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये वाली वीडियो भी हमारी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें बॉडी मेजरमेंट खुद का और क्लाइंट का हम किस तरीके से ले सकते हैं, और इसकी हम ड्राफ्टिंग कैसे, इसकी पैटर्न किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसकी हम स्टिचिंग कैसे करेंगे, वो पूरा हम डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, इसको स्किप करके नहीं देखना है। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी मेजरमेंट हमें किस तरीके से लेना है। जैसे मैं खुद का बॉडी मेजरमेंट लूंगी ना, वैसे आपको अगर दूसरे का बॉडी मेजरमेंट लेना रहेगा तब भी आपको इसी मेथड से लेना रहेगा। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें लेंथ का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है। तो लेंथ का मेजरमेंट लेने के लिए हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। डायरेक्ट इंची टेप को हमें कहीं भी नहीं रखना है। जो भी हमारा शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर में हम इंची टेप को रख लेंगे इस तरीके से। फिर हमें इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। फिर जहां पे हमारी लोअर चेस्ट आ रही है वहां से हम इंची टेप को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे, आपको देख लेना है, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे। जब हम क्लाइंट का मेजरमेंट लेंगे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम ऐसे झुकेंगे ना तो हमारी लेंथ शॉर्ट हो सकती है। इसके लिए हमें इसको यहाँ पे पकड़ के रख लेना है। फिर यहाँ से भी हमें इसको यहाँ तक ऐसे पकड़ के रख लेंगे। फिर हमें नीचे से देखेंगे कि हमें इसकी लेंथ कितने इंच की चाहिए। तो मुझे यहाँ पे घुटन से नीचे तक की लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ लूंगी 41 इंच। ओके, तो लेंथ किस तरीके से लेना है वो समझ में आ गया। हमारी ड्रेस की रेडी लेंथ होगी हमारी 41 इंच की। अब हम लेंगे चेस्ट का राउंड, चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप हमें यहाँ से लेना है। चेस्ट का नाप हमें यहाँ से नहीं लेना है, हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से, सॉरी ऊपर से नहीं लेना है, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमें यहाँ पे लूज फिटिंग बनाने वाले हैं ना ड्रेस, ये हमारी ड्रेस पूरी टाइट तो रहने वाली नहीं है। यहाँ पे हमारी जो चून आएगी ना, प्लेट्स आएगी, वो तो आएगी, बट हमें मेजरमेंट लेते टाइम ऐसे पूरा टाइट ना, ब्लाउज में जैसे भी हम नाप लेते हैं उस तरीके से आपको इस वाली कुर्ती का नाप नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे हमें लूज ही रखना है। तो यहाँ पे मैं लूज ले रही हूँ, तो 30 इंच की हमारी चेस्ट रहेगी। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। तो वेस्ट का नाप हम कहाँ से लेंगे, तो उससे पहले आपको लोअर चेस्ट ले लेना है। लोअर चेस्ट मतलब लोअर चेस्ट भी आप बोल सकते हो, शोल्डर टू लोअर चेस्ट भी बोल सकते हो, नहीं तो फिर आप योग पार्ट लेंथ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो फिर से हम शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रख लेंगे। इंची टेप को हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे लोअर चेस्ट तक इसको ऐसे रखेंगे। फिर जहां तक हमारी लोअर चेस्ट आ रही है वहां से हमें 1 इंच इतना नीचे जाना है। तो यहाँ पे मेरी लोअर चेस्ट आ रही है 12.5 इंच, तो मैं 1 इंच नीचे जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लेंथ लूंगी 13.5 इंच। आप 40 इंच रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, बट हमारा जो ये वाला जो ड्रेस है ना, वो हम यहाँ पे योग पार्ट ज्यादा लेंगे ना, तो इसका लुक जैसा हमें चाहिए ना उस तरीके का नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऐसे नाप लेना है, जितनी भी आपकी लोअर चेस्ट आ रही है उसमें आपको प्लस 1 इंच कर लेना है। ओके, तो हमारी लोअर चेस्ट, शोल्डर टू लोअर चेस्ट होगी हमारी 13.5 इंच की। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। तो जहां तक हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट लिया उसका हमें राउंड लेना है। तो उसका हम राउंड लेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं कितना लूज ले रही हूँ ना, यहाँ पे मेरी चेस्ट ऐसे देखेंगे ना तो 24 इंच इतने टाइट आएगी, बट मैं इतनी टाइट कभी ऐसे फ्रॉक कुर्ती पहनती नहीं हूँ, तो मुझे इतना टाइट पसंद नहीं, है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो कमर रहेगी ना वो मैं लूंगी 27 इंच की। वेस्ट मेरी होगी 27 इंच। आपको भी, आपकी जितनी भी वेस्ट है ना उतना आपको इतना टाइट नहीं ले लेना है। आपकी जितना, हम देखो यहाँ पे मेरी 25 इंच इतनी ऐसे पकड़े ऐसे रखेंगे ना, तो 25 इंच इतना आ रहा है, तो मैं इससे 2 इंच इतना एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा लूज चाहिए। वैसे भी हम यहाँ पे तो दोरी लगाने वाले हैं ना, तो जितना हमें फिटिंग चाहिए उस हिसाब से हम दोरी को ऐसे खींच के बांध सकते हैं ना, तो वो तो हमें जितना चाहिए उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जितना भी आ रहा है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ओके, वेस्ट हो गया। अब हम लेंगे फुल शोल्डर का नाप। तो फुल शोल्डर का नाप हमें बैक साइड से लेना है। तो
तो यहाँ पे इंची टैप को हमें ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है, यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से हम रखेंगे। फिर फ्रंट साइड से हमें देख लेना है, तो फ्रंट साइड से हम इसको ऐसे करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी फुल शोल्डर आ रहा है 13.5 इंच का। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना ही मेजरमेंट लगेगा। ओके, तो मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो सब आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेजरमेंट लेने में कोई भी डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, नहीं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम इसके ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी ड्रेस बनाऊंगी ना, उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है 3 मीटर, और जो भी हमारा ऊपर की साइड पे मुझे लाइनिंग लगाना है, अगर आप चाहो तो आप लाइनिंग को स्किप भी कर सकते हो, बट व्हाइट कलर का फैब्रिक है इसके लिए मैं इसके अंदर लाइनिंग भी ऐड करूंगी। अगर आपका फैब्रिक ठीक रहेगा तो आप लाइनिंग नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइनिंग का यूज कर रही हूँ, वो लाइनिंग मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसकी ड्राफ्टिंग हम डायरेक्ट मेन अस्तर पे ही करेंगे, इसके लिए हमें कोई भी फरमा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो भी ड्रेस बनाने वाले हैं इसकी ये ड्राइंग रहेगी, तो इसका नाम रहेगा हल्टर मैक्सी ड्रेस। तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके का रहेगा, यहाँ पे हमारी दोरी आएगी, यहाँ पे हम नॉट बनाने वाली जो दोरी आती है वो हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे ना तो यहाँ पे हमें क्रीज मिलेगी, यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस में एक टक्स लगाएंगे और एक सेंटर में टक्स लगाएंगे, और ये जो रहेगा ना ये वाली जो रहेगी यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे, फिर इसके अंदर से हम दोरी को पास करेंगे तो ये दोरी हमारी यहाँ पे आएगी, और एक लेयर हम यहाँ पे करेंगे सेंटर में। हम यहाँ पे हम बड़ी छोटी लेयर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम 2 लेयर को 3 लेयर को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सेंटर में हम लेस लगाने वाले हैं, तो फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके का रहेगा और बैक पार्ट हमारा ऐसा रहेगा, बैक पार्ट में भी सेम हमारा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी आएगा। ओके, और ये हमारी 2 लेयर रहेगी और सेंटर में हमारा ये लेस आने वाली है। अब यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट लिया है उसको मैंने पेज पे रख लिया है, इसकी फोटो आपको, सारी फोटो, ड्राइंग की भी फोटो, इसकी भी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इतना, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, तो चेस्ट हमने 30 इंच की ली थी ना, तो 30 इंच की हमने अभी एक वीडियो में 30 इंच का बनाया, इसके लिए मैंने यहाँ पे 31 इंच ले लिया है। ओके, बाकी सब तो ऐसा ही जैसा हमने नापा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड किया है, तो ये हमारा लाइनिंग का मेन फैब्रिक रहेगा, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया है, फिर हम वापस से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो टोटल हमें यहाँ पे फैब्रिक 4 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये 4 फैब्रिक रहेगा, तो ये हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की ड्राफ्टिंग हम इसी में करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे, फुल शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा, आपका फुल शोल्डर भी 13.5 इंच ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, आपको मेजर कर लेना है कितना रहेगा। तो हमारा 13.5 इंच का फुल शोल्डर है, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.75 इंच ऑन फोल्ड साइड। तो जब भी मैं ऑन फोल्ड साइड बोलूँ तो उसका मतलब है ये जो हमारी फोल्ड साइड है उसको हम बोलेंगे ऑन फोल्ड साइड। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर 6.75 इंच आया, तो 6.75 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, वो सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, आपको 1 इंच ही डाउन जाना है। ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, वो भी आपका फिक्स रहेगा, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास ये वाला चार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 इंच तक रहेगी तब आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की हमारी चेस्ट है ना, तो यहाँ पे ही हमारी 31 इंच की चेस्ट तो ये वाली लाइन में ही आ जाएगी, तब हमें ये वाला सूत्र यूज करना है। तो ये सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.75 इंच, हमारी चेस्ट 31 इंच की है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.75 इंच, हमें कितना मिलेगा, 6.9 इंच। तो
वो 6.9 इंच जो आया उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 6.9 इंच मतलब 7 इंच में एक लाइन कम। अब या जी ये जो हमने 6.9 इंच पे मार्क किया है वहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें यहाँ से शोल्डर का सेंटर लेना है, तो इंची टैप को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तब हमें इसका सेंटर मिलेगा। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। लूजिंग कितनी ऐड करनी पड़ेगी, तो 4 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी रहेगी। आपकी कोई भी साइज रहेगी, आपको कंपलसरी 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ओके, यहाँ पे मैंने प्लस 4 इंच लिख लिया है। हमारी चेस्ट कितने इंच की, 31 इंच की चेस्ट है, उसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे, हमें कितना मिलेगा आंसर 8.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 8.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे 0.75 इंच, आप हाफ इंच भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 0.75 इंच लिया है। अब यहाँ पे हमने शोल्डर का सेंटर लिया है ना, तो सेंटर में इंची टैप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारी कितने इंच की थी, 13.5 इंच की, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, वो आपका फिक्स रहेगा, 1 इंच ही आपको प्लस करना रहेगा। फिर जो भी हमने मार्क किया है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन रहेगी वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी तो यहाँ पे भी हमें 4 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है, ये भी आपका फिक्स रहेगा। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 27 इंच की हमारी वेस्ट है, उसमें हम प्लस 4 इंच करेंगे जो हमारा लूजिंग का रहेगा, फिर हमें डिवाइड 4 कर लेना है, हमें मिलेगा 7.75 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 7.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, हम ऐड करेंगे 0.75 इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हमने शोल्डर का हाफ करके कितने इंच पे मार्किंग किया था, वही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे करनी है। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जो मैंने येलो कलर के चौक से की, ये उसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ये हमने सेंटर लिया, ये ऊपर का भी हमें सेंटर ले लेना है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आपको जैसा भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ ना, उसी तरीके से वही मार्किंग को आपको फॉलो करना है। ओके, जहाँ पे चेंज करना रहेगा ना आपके हिसाब से, मैं वहां पे आपको बता दूंगी। ये इतना क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब जो भी हमने यहाँ पे सेंटर में जो सेंटर लिया है ना, उससे हमें 0.75 इंच जितना अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ से भी हमें ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से भी हमें 0.75 इंच जितना अंदर जाना है। तो यहाँ पे अभी हम मार्किंग करेंगे ना, तो यहाँ पे मार्किंग हम किस तरीके से करते हैं कि जब भी आपकी चेस्ट 40 से प्लस रहेगी, 40 से अप रहेगी, तब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है जो हमारी 40 इंच से कम है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.75 इंच पे। ये मार्क करके हो गया, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ से हम 0.75 इंच अंदर आए हैं और एक हम यहाँ से भी अंदर आए हैं। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसको जहाँ पे भी हमारी फ्रेंच कर्व सेट हो रही है उसी तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, अब इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम ना नीचे का जो भी रहेगा और साइड का जो टक्स लगाना है ना, वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली लाइन को अभी नहीं देखना है, जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है ना उसको हम देखेंगे। तो यहाँ से हमें ये दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर हम जैसे भी लेते हैं ना, उसी तरीके से आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे, ये हमने सेंटर पे एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे भी ये दोनों का भी हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमें एक सेंटर मिल जाएगा। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। फिर जो हमने ये वाली लाइन बनाई है ना, उसको हम स्ट्रेट स्केल को रखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अपेक्स पॉइंट। अब नीचे में जो भी हमें टक्स लगाना है, वो हमें सिर्फ 1 इंच का टक्स लगाना है, वो सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे 1/2 इंच पे करेंगे। ये 1/2 इंच को हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाएंगे और ये मार्किंग को भी हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारा 1 इंच का टक्स हो जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे मार्किंग किया है ना, ये सेम आपको फॉलो करना है। जो भी मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर जाऊंगी, 1 इंच जाऊंगी ना, वो आपका फिक्स ही रहेगा। जैसे हमारा टक्स में कैसे 1 इंच का टक्स लगाना फिक्स है ना, सेम यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। जो भी हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है, वहां से हमें इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करना है। ये मार्किंग 1 इंच पे करनी है और जो भी हमने इसका सेंटर लिया है, सेंटर से हमें 1/2 इंच इतना ऊपर जाना है। ये भी आपका फिक्स रहेगा, 1/2 इंच ऊपर जाना, सॉरी 0.25 इंच इतना, 1/2 इंच मत, 1/2 इंच ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 0.25 इंच इतना ऊपर जाना रहेगा। ओके, ब्लू चौक से जो मार्क किया है ना, उसको आपको देखना है। यहाँ से हमने जो पिंक कलर का चौक से हमने मार्क किया है ना, वहां से हमें 1/2 इंच इतना ऊपर जाना है। 1/2 इंच पे हमें एक मार्क कर लिया। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क किया है ना, तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है और इस साइड भी हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे ऐसे क्रॉस मिला लेना है। ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है ना, वहां तक हम इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो भी हमने ये वाली लाइन बनाई है ना, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया, जो साइड में ये टक्स लगेगा वो भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो टक्स लगेगा वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारा नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक की मार्किंग किस तरीके से करनी है ना, वो देखना है। तो मैं जो भी यहाँ पे बोलूंगी ना, वो आपका भी फिक्स ही रहेगा। ओके, तो जो हमने ये दोनों का हमने सेंटर लिया था ना, तो मैंने जो पिंक चौक से मार्क किया है वो, और इससे ऊपर वाला जो मार्क है ना, इसके नीचे हमें 0.25 इंच जितना नीचे जाना रहेगा। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच जितना डाउन जाएंगे, यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे। फिर 0.25 दो लाइन, देखो यहाँ पे मैं ब्लू चौक से मार्क कर रही हूँ, दो लाइन जितना हम नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें नेक की ड्राइंग बनानी है ना, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर जो भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, अब भी जो भी हमने मार्किंग की है ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रहेगा। ओके, अब बैक पार्ट का नेक ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से 1 इंच इतना ऊपर जाना है। 1 इंच इतना हम ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको समझ आया ना मैंने क्या किया? जो भी ये दोनों का हमने सेंटर निकाला तो ये वाला सेंटर था, फिर ये दोनों का भी हमने सेंटर निकाला, तो जो हमने पिंक चौक से मार्क किया है वो देखना है। फिर इसके नीचे मैं यहाँ पे गई हूँ 0.25 इंच, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0.25 इंच में यहाँ से डाउन गई हूँ। फिर जो भी मैंने ब्लू चौक से मार्क किया वो हम 0 पॉइंट डाउन गए है ना, 0.25, तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक हो गया। अब ये जो हमने मार्क किया वो हमने यहाँ से 1 इंच पे मार्क किया, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हमने बैक पार्ट का नेक की लाइन बनाई। अब ये हमारा बैक साइड का नेक है ना, तो बैक साइड का नेक हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरी जो येलो लाइन है, जो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन पे आपको इंची टैप को रख लेना है इस तरीके से। जैसा भी मैं बता रही हूँ ना, सेम आपको भी कॉपी करना है, इस तरीके से आपको रख लेना है। फिर ये दोनों का हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ तक हम इंची टैप को फोल्ड करेंगे, तब भी हमें इसका सेंटर मिल जाएगा ना। तो सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेंगे, ये हमने सेंटर पे मार्क कर लिया। अब हमें फ्रेंच कर्व को ले लेना है, फिर इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इसको आप अभी मत देखो। तो जो भी आपने सेंटर पे लाइन बनाई है ना, वहाँ पे आपका 0.25 इंच जितना ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे इस तरीके से 0.25 इंच जितना ऊपर जाएगा। अब हम यहाँ से बैक साइड का नेक ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ से आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रेंच कर्व की मदद से ही करना है। इस तरीके से हम बैक साइड का नेक ड्रॉ कर लेंगे। हम फ्रंट का नेक का शेप बनाएंगे,
तो फ्रंट नेक बनाने के लिए जो भी हमने यहाँ पे ये फ्रंट बैक साइड का नेक जॉइंट हुआ है वहां से हम हाफ इंच इतना डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे, हाफ इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब जो भी हमारी ग्रीन कलर की चौक से लाइन दिख रही है ना आर्म होल की, वहां से ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर इस तरीके से हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लिया। अब जो भी हमने अभी सेंटर लिया ना, ये दोनों का भी हमें सेंटर ले लेना है। तो यहाँ से हम इंची टैप को इस तरीके से रखेंगे, फिर यहाँ पे भी हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। अब फ्रेंच कर्व को हमें यहाँ पे रख लेना है। तो जो भी हमने ये सेंटर निकाला है ना, यहाँ पे हमारा शेप ऐसे ड्रॉ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, फिर यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का नेक ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे तो आप हाथ से ही कर सकते हो इस तरीके से। ओके, ये आपको समझ में आया? मैं ब्लू चौक से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपको दिख नहीं रही होगी ना, इसके लिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ये वाली ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया हमने कैसे किया। ये हमारा फ्रंट का नेक रहेगा और ये हमारा बैक साइड का नेक रहेगा। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे जो भी हम टक्स लेने वाले हैं ना, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, यहाँ तक रखेंगे ना, तो हमारा देखो कितना आएगा, तो 4.25 इंच इतना आएगा, 4.25 इंच इतना आएगा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी हमारी 4.25 इंच इतनी ही आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कम पड़ेगा, बहुत कम। देखो इतना मैंने जो पेन से मार्क किया है ना, ये देखो यहाँ तक ऐसे कम पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमारा ये टक्स ऐसे जॉइंट होगा ना इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे कपड़ा कम पड़ जाएगा, एक लाइन जितना ही कम पड़ेगा। वैसे तो हम नहीं देखते तब भी चलता, बट मैंने एक बार आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आपको चेक भी करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत पार्ट कट ना कर दो, ओके? क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट का और बैक साइड का दोनों साथ में ही फैब्रिक है, इसके लिए यहाँ से हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। फिर हम ये साइड फिटिंग वाली लाइन को कट करेंगे। यहाँ तक इसको ऐसे ही कट करना है, फिर यहाँ पे ऐसे ले लेना है इसको। ये हमने कट कर लिया। अब साइड का जो ये जो हमारा आर्म होल है ना, उसको भी हम देखो मैंने यहाँ से एकदम स्ट्रेट कट किया है। सेम तरीके से ही आपको भी कट करना रहेगा। अब हम पहले ना बैक साइड का नेक कट करेंगे। बैक साइड का नेक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बैक पार्ट हम साइड कर लेंगे। जो पीछे का पार्ट रहेगा ना, अंदर वाला पार्ट, वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। इसको मैं उठा के साइड में कर देती हूँ और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो इसको मैंने वापस से रख लिया है, जैसे भी हमारा फैब्रिक फोल्ड था वैसे। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का नेक कट करेंगे। हमने जो यहाँ पे टक्स के लिए एक लाइन जितना बाहर की साइड रखा था ना, तो बैक साइड में तो हमें कोई टक्स नहीं लगाना है ना, तो इसको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट कट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फ्रंट पार्ट में टक्स लिया, ये लिया, वो लिया, बैक पार्ट तो हमने सेम ही कट किया, यहाँ पे तो हमें टक्स नहीं लगाना है, तो यहाँ पे तो हमारा हाफ इंच इतना तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। बट वो तो हम ना इसको यहाँ पे रख के कट करने ही वाले है, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा। बट उससे पहले हमें इसमें टक्स लगाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग के फैब्रिक की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी के ऊपर से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाला मेन फैब्रिक लिया है, तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक रहेगा। तो देखो यहाँ पे हल्का सा ऐसे इतना पतला फैब्रिक है, अगर आप चाहो ना तो इसको ही यूज कर सकते हो, क्योंकि ये धोने के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट आपको ऐसा लगेगा कि व्हाइट फैब्रिक है तो इसके नीचे लाइनिंग होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऊपर लाइनिंग यूज किया है। आप लाइनिंग नहीं यूज करोगे ना फिर भी चलेगा, ओके? तो ये जो फैब्रिक है ये मैंने लिया है 3 मीटर। अब इसको हम अच्छे से प्रेस करके रख लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को जितना भी मुझे फैब्रिक चाहिए ना उतना ही मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा, इसको मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है। देखो एक बार मैंने इसको फोल्ड किया है। अब मैं वापस से इसको फोल्ड करूंगी तो यहाँ पे हमारा टोटल फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा। ये हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। अब कितना फैब्रिक चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ही आपको ले लेना है, फिर यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। फोल्ड साइड दोनों आपकी सेम आनी चाहिए। अब इसको हमने इस तरीके से रख लिया है।
अब यहाँ से मैं इसको कट करूंगी ना, तो आप डायरेक्ट इसको कट टू कट कट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको कट टू कट नहीं कट करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे वापस से साइड में पूरा इसको स्टिच कर लूंगी ना इसके लिए। तो यहाँ पे ये फैब्रिक ऐसे है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाले फैब्रिक को हम यहाँ से एक लाइन एक इंच जितना या 0.75 इंच जितना है फैब्रिक को ज्यादा रखेंगे, फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया फ्रंट, तो ऊपर का जो योक पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको स्टिच कैसे करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ना, इसको हम उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है, इसको मैंने ले लिया है, बैक पार्ट को मैं इसके ऊपर रखूंगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको स्टिच कर लूंगी, मतलब कि जितना भी लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसके बराबर हमें इसको करना रहेगा ना। तो पहले हम स्टिच लगा लेंगे, फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट समझ में आ गया, अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रख लेना है, ये हमारी रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर हम रखेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे टक्स लगाया है ना, ये वाला टक्स, तो इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों साइड पे टक्स लगाना है ना। इसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे अच्छे से, जैसे भी हमारा फैब्रिक फोल्ड है वैसे ही हम इसको रख लेंगे। अब ये पैन को मैंने ऐसे अंदर कर लिया है, इसका पॉइंट से हम इसको टक्स को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे चलाएंगे ना तो ये हमारा टक्स दूसरी साइड पे छप जाएगा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब जो भी हमें थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है ना, उसको हम डार्क कर लेंगे। हमें इसको इस तरीके से नहीं रखना है, यहाँ पे हमने जो टक्स का लाइन बनाया है ना वो हमें दिखना चाहिए, उस तरीके से हम इसको फैब्रिक को रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें टक्स दिखे, इस तरीके से हमने इसको रख लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा इसको स्टिच करके पैक कर लेंगे। ओके, इतना आप करके रखना, तब तक हम नीचे का जो घेर है ना उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है अब हम वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नीचे की जो भी हमारी फ्रिल्स रहेगी ना वो हमें कितने इंच की निकालनी है और कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। तो हमारा ड्रेस किस तरीके का है पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारा इस तरीके का ऊपर की डोरी का पार्ट रहेगा, ये हमारा योक पार्ट रहेगा और ये हमारा पूरी लेंथ रहेगी नीचे की। यहाँ पे हम लेस लगाने वाले हैं। हमें ये ऊपर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये नीचे का बाकी है ना, तो नीचे का पार्ट हमें कितने इंच का कट करना रहेगा वो हमें किस तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें फुल लेंथ में से, फुल लेंथ हमारी कितने इंच की है, 40 इंच की हमारी फुल लेंथ है। फुल लेंथ में हमें योक पार्ट माइनस कर लेना है, योक पार्ट हमारा 13.5 इंच का है। तो फुल लेंथ हमारी 14 इंच की, उसमें से हमने योक पार्ट 13.5 इंच माइनस किया, हमें आंसर कितना मिला, 26.5 इंच ये मिला। तो ये और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो भी पार्ट रहेगा ना उसकी लेंथ हमारी रहेगी 26.5 इंच की। ये समझ में आ गया, 26.5 इंच की हमारी पूरी लेंथ रहेगी। तो नीचे का जो भी रहेगा ना वहां पे हमें यहां तक नीचे का ही अभी देखना है, ऊपर का हमारा कंप्लीट हो गया है, अब नीचे का देखना है। अब यहाँ पे मुझे लेस लगानी है, वो लेस मेरी इतनी ब्रॉड लेस है, तो यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा इतना और यहाँ पे इतना सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे जो लेस रहेगी ना वो हमें रेडी मिलेगी 1 इंच की, तो लेस का भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो ये लेस रहेगी हमारी 1 इंच की, तो ये लेस हमारी हमें रेडी मिलेगी, 1 इंच की लेस मिलेगी। ओके, अब ये लेस का तो हमारा फिक्स हो गया, 1 इंच की हमारी यहाँ पे रेडी मिलेगी। अब हमें डिसाइड करना है कि नीचे का जो ये फ्रिल्स वाला पार्ट रहेगा उसको आपको कितना इंच रखना है वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये नीचे का जो पार्ट है ना उसकी हम लेंथ रखेंगे 11 इंच की, तो नीचे का जो रहेगा उसको हमें रेडी चाहिए, 11 इंच चाहिए। अब
ये दो तो हमें मिल गया, तो ऊपर का कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको फुल लेंथ यहाँ तक की जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें से ये दोनों को आपको माइनस करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच आया? 26.5 इंच आया, तो 26.5 इंच लिखेंगे। उसमें से हम माइनस ये वाला 11 इंच करेंगे और माइनस हम ये वाली 1 इंच लेस का करेंगे। हमें कितना आंसर मिलेगा? 14.5 इंच। हमें तो अब हमें पता चल गया कि हमें ये दो फ्रिल्स लगानी है वो कितने कितने इंच की लगानी है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आएगी ये हमें कितने इंच का लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स क्यों बनाया, तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा और ये हमारा बैक साइड का रहेगा और ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों का, क्योंकि नीचे की जो फ्रिल्स है ना वो हम दोनों साथ में कट करेंगे। इसके लिए जो भी मार्किंग हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे ना उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ओके, अब पहले आप इसमें समझ लो, हमने इसकी ऐसे में लेंथ कितनी हमें रेडी चाहिए वो तो हमने डिसाइड कर लिया, बट हमें यहाँ पे सिलाई का भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमारी इतना हाफ इंच जितना यहाँ पे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच जितना हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15.5 इंच मिलेगा। तो ये वाली फ्रिल्स हमें, फ्रिल्स की लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी 15.5 इंच की। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 15.5 इंच, यहां से लेके यहां तक इसकी हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी वो 15.5 इंच की। तो सेम बैक पार्ट की भी हमें सेम ही मिलेगी 15.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैंने 15.5 इंच लिख लिया। अब ये हमें, ये तो हमने ऊपर का दोनों में लिख लिया, अब ये नीचे का है ना, तो नीचे का हमें कितने इंच का निकालना है? 11 इंच की हमें रेडी चाहिए, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें 12 इंच मिलेगा। तो नीचे का हमें कट करना पड़ेगा 12 इंच का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 इंच। ये हमें 12 इंच का कट करना पड़ेगा, ये वाला। ओके, अब ऐसे में हमें कितने इंच लेना है वो तो हमें पता चल गया। अब हमें ऐसे फ्रिल्स जो लगानी है, यहाँ पे हम फ्रिल्स लगाने वाले हैं ना इस तरीके की, यहाँ पे हमारी फ्रिल्स आएगी, तो वो हमें कितने इंच की लगानी है वो कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे भी हमारी फ्रिल्स आएगी, तो ये जो फ्रिल्स है ना वो हमें कितने इंच की निकालनी पड़ेगी? उसके लिए हमें बैक पार्ट को ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले लिया है। अब हमने यहाँ पे सिलाई का कितने इंच का ऐड किया था? तो यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया था 0.75 इंच। तो 0.75 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। 0.75 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कितने इंच आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 7.9 इंच। 8 इंच में एक लाइन कम, इसका मतलब क्या हुआ? 7.9 इंच। अब ये हमारा 7.9 इंच आया, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 7.9 इंच। ओके, 7.9 इंच जो भी आया। तो यहाँ पे देखो, इसको तो हमने सिर्फ ऐसे में चेक किया ना, तो हमें तो ऐसे फुल चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमें फुल ऐसे लगाना है ना, ऐसे फ्रिल्स लगानी है, तो इसको हम डिवाइड 2 करेंगे। तो ये हमारा ओपन करके 2 हो गया। अब वापस से हमें इनटू 2.25 इंच करना है। ये हमने 2.25 इंच क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रिल्स जो ऐड करनी है वो हमें सिर्फ 2.25 इंच इतनी ही करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैलसी में करेंगे, 7.9 इंच डिवाइड बाई 7.9 इंटू 2.25 इंच। तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 35.55 इंच। यहाँ पे हमें 35.55 इंच मिल गया। तो ये हमारा कोई भी एक पार्ट, मतलब दो फ्रंट पार्ट का हमारा कितना रहेगा? 35.55 इंच। बैक पार्ट भी हमारा सेम ही है, तो बैक पार्ट भी हमारा 35.55 इंच मिलेगा ना। तो हमें ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें हमें कितने इंच की फ्रिल्स लगानी है वो हमने डिसाइड कर लिया। अब नीचे का जो फ्रिल्स है वो हमें कितने इंच की लगानी है वो कैसे समझ में आएगा? अब यहाँ पे हमारा एक का आया 35.55 इंच, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35.55 इंच। एक का हमें मिला, हमें तो ये दो का चाहिए ना, तो उसको हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस
35.55 इंच। तो ये हमें प्लस करेंगे फिर इनटू हमें फ्रिल्स के लिए 2.25 करना है, तो इसको हम कैलसी में करेंगे 35.55 इंच प्लस 35.55 इंच डिवाइड बाय 2.25 इंच, हमें कितना आंसर मिलेगा 159.9 इंच, 159.9 इंच। तो नीचे की जो भी हमारी फ्रिल्स लगेगी उसके लिए हमें दोनों की साथ में निकालनी है, तो हमने यहाँ पे आंसर मिला 159.9 इंच। तो हमें यहाँ पे सब मिल गया, कि कैसे मिला वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वीडियो को स्टॉप करके बार बार भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये जो रहेगी ये फोटो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। ये हमारी फ्रंट पार्ट का फ्रिल्स रहेगा, ये हमारा बैक पार्ट का ऊपर का फ्रिल्स रहेगा, और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की हम साथ में नीचे की फ्रिल्स लगाएंगे। ओके, अब इसी नाप से हमें इसको कटिंग किस तरीके से करना है अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ऐसे ओपन था ना, तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने इतना ही फोल्ड क्यों किया, पूरा भी तो फोल्ड कर सकती थी ना, तो वो पहले समझ लो। यहाँ पे हम जो कटिंग कर रहे हैं ना इस तरीके से, वो हमें ये वाली कटिंग कर रहे हैं, मतलब जो हम फ्रिल्स लगाने वाले हैं ना, तो फ्रिल्स हमें कितने इंच की लगानी है ना वो हम अभी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 13.5 इंच हमारा आया था, तो हमने 13.5 इंच का हाफ कर लिया है। 13.5 इंच आया उसका मैंने हाफ कर लिया, हमें मिलेगा 17.75 इंच। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा 17.75 इंच आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारा 17.75 इंच परफेक्ट आ रहा है, जहां पे भी हमारा 17.75 इंच आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 17.75 इंच जहां पे भी आया वहां पे हमने यहाँ पे भी और ये पूरे यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया। तो ये वाली मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ये वाली देखेंगे। तो ये वाली में आपको हाफ नहीं करना है, पूरा ही लेना है। हमें कितना इंच मिला था, 15.5 इंच। तो यहाँ पे हम इंची टैप को रख लेंगे, 15.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम सेंटर में भी इंची टैप को रख लेंगे, फिर 15.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। इस तरीके से सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी कर लेना है। तो देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 15.5 पे मार्क कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब जो भी हमने मार्क किया है ना उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट का ऊपर का घेर कंप्लीट हो गया। अब बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का दोनों सेम ही है ना, 15.5 इंच और 35.55 इंच सेम ही है, तो इसी को हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसी के बराबर इसको कट कर लेंगे। अब ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा फैब्रिक कैसे है देखो, यहाँ पे ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे स्ट्रेट रखेंगे थोड़ा नीचे की साइड से। यहाँ पे हमारा फैब्रिक दोनों सेम आना चाहिए, फोल्ड साइड इस तरीके से हम परफेक्ट इसको रखेंगे। यहाँ पे आप पिंस भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमने इसको कट टू कट रख लिया। अब जितना भी हमारा ये फैब्रिक है उसी के बराबर हम एकदम कट टू कट ही इसको कट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारी ये दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसकी भी और इसकी भी। ओके, अब हमारा नीचे का ये है ना वही बाकी है, तो अब हम उसकी कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक को मैंने वापस से इसको जैसे भी हमारा ऐसे फुल फैब्रिक था, ये हमारा ऐसे फैब्रिक था ना, तो इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लिया। पहले क्या किया था हमने, इतना ही फोल्ड किया था ना, जितना हमें चाहिए उतना ही हमने फोल्ड किया था। अभी मैंने इसको पूरा यहाँ से कट टू कट फोल्ड कर लिया है। देखो वहां से मैंने इसको कट टू कट फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे 12 इंच की जो भी हमारी लेंथ है ना ये फ्रिल्स की, वही हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस इंच, पहले तो आपको ये फैब्रिक को स्ट्रेट कट कर लेना है। यहाँ पे हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 12 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे।
सेम मार्किंग हम आपको यहाँ पे भी कर लेनी है। इसी तरीके से आपको वहां तक 12 इंच पे मार्क करना है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, वहां पे भी मार्क करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से मैंने 12 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसको थोड़ा ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड पे भी हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। इसको भी हम अच्छे से रख लेंगे। फिर यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो पहले हम इसको कट ही कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, कट कर लिया। अब हम इसी फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसके बराबर कट कर लेंगे, तो हमें फिर से मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दो पार्ट कट कर लिया। अब हमें यहाँ पे हमने 12 इंच निकाला, वो हमें ऐसे हो गया 12 इंच। अब हमारा बाकी क्या है, 159.9 इंच का हमें फैब्रिक चाहिए ना ऐसे में, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा कितना इंच है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच है, तो 12.25 इंच है। तो यहाँ से ये हमारा सिर्फ हमने ऐसे देखा ना, तो हमें यहाँ पे दो फैब्रिक है, एक का ही हम पहले देखेंगे। हमें कितना मिला, 12.25 इंच, तो हम प्लस करेंगे 22.25 इंच, उसको हम प्लस करेंगे 22.25 इंच। तो यहाँ पे एक पार्ट जो रहेगा ना, उसकी हमें ऐसे देखेंगे ना उसकी विड्थ, तो हमें मिलेगी 44.5 इंच की। तो एक की विड्थ हमें मिली 44.5 इंच। हमने तो यहाँ पे दो फैब्रिक निकाला ना, तो उसको हम प्लस करेंगे 44.5 इंच, प्लस 44.5 इंच, तो हमें यहाँ पे टोटल 89 इंच मिल रहा है। तो और हमें कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 159.9 इंच, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 159.9 इंच, 89 माइनस 159.9 इंच, तो हमें कितना, तो हमें यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है, तो 70.9 इंच कम पड़ रहा है। तो इतना हमें और एक निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम और एक निकालेंगे, तो इसी को हम रख के इसमें से कोई भी एक पार्ट को रखेंगे, फिर इसी के नाप का हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला हमारे पास फैब्रिक है, इसी के ऊपर हम दूसरा फैब्रिक रख लेंगे ये वाला। अब इसको हम इसके बराबर कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक और कट कर लिया, तो इसमें से हम 44.5 इंच और माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी जो कट किया है वो उसका मैंने यहाँ पे माइनस किया है। तो 20.9 इंच में से हम माइनस करेंगे 44.5 इंच, तो हमें यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है, और कम पड़ रहा है 26.4 इंच, तो हमें ये वाला और निकालना पड़ेगा। तो अब फैब्रिक को हम साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 26.40 इंच। यहाँ पे हम ये वाला फैब्रिक को रख लेंगे, फिर 26.4 इंच का हम हाफ करेंगे, 26.4 इंच का हम हाफ करेंगे, 26.4 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच ले लेते हैं, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12.2 इंच। तो फैब्रिक को हम, तो हम यहाँ पे इतना पूरा ही फैब्रिक ले लेंगे, तो जितनी भी हमारी फ्रिल्स आएगी ना, तो यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे इतना फोल्ड किया, आप चेक करेंगे कि 13.2 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक और ज्यादा, बहुत ज्यादा बच रहा है, तो हम इसको कम कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे, ये हमने कम कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 13.2 इंच बहुत इतना ज्यादा मिल रहा है, तो अभी हम वापस से थोड़ा कम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें 13.2 इंच चाहिए, बट हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 15 इंच जितना मिल रहा है, बट इतना हम अभी ले लेते, फिर हमारी ज्यादा फ्रिल्स हो जाएगी ना, तो जितनी हमें यूज होगी उतना हम रखेंगे, फिर जो ज्यादा हो जाएगी उसको हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम लेंगे 12 इंच का, तो अभी जो हमने निकाला है ना, वो हमने 159.9 इंच निकाला है, ये पूरा रहेगा ना, इसको हम ज्वाइंट करेंगे ना, तब हमें 159.9 इंच मिलेगा।
हमें यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा मिला है, तो 159.9 इंच से ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट ज्यादा होने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो फ्रिल्स रहेगी ना, वो जितनी आएगी उतनी हम एडजस्ट करेंगे जब हम स्टिच करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी। अब ये 12 इंच को हम यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ पे इंची टैप को रखेंगे, 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी इंची टैप को यहाँ पे रखेंगे, फिर 12 इंच पे हमें एक मार्क कर लेंगे। सेंटर में भी हमें एक मार्क कर लेना है, ताकि हम जब भी लाइन बनाए तो हमारी लाइन प्रॉपर स्ट्रेट आए। यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नीचे का ये फ्रिल्स भी कट हो गई, सॉरी ये वाला नीचे की हमारे ये वाले फ्रिल्स भी कट हो गई। अभी हम इसको जॉइंट कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो ये वाले फ्रिल्स को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये वाला पार्ट ले लेना है। ये हमारा सीधा फैब्रिक है, उसके ऊपर हम फैब्रिक को ऐसे उल्टा रख लेंगे, इसके ऊपर हम उल्टा फैब्रिक रखेंगे, फिर हाफ इंच के गैप पे या 0.25 पे हम यहाँ पे स्ट्रेट में स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे एक स्टिच लगा के हो जाएगा, फिर ये वाले फैब्रिक को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे भी हम स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हमें सारे फ्रिल्स को आपस में ज्वाइंट कर लेना है, तब ये पूरी ज्वाइंट हो जाएगी ना, तब हमारी फ्रिल्स कितने इंच की निकलेगी, तो 159.9 इंच। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा लिया है, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगी, बट उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये वाले फ्रिल्स को हम पहले रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ्रिल्स को ऐसे ज्वाइंट लगा के हो गया, यहाँ पे हमने ज्वाइंट लगा लिया, तो देखो ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा हमारा फैब्रिक। इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये हमारा नीचे की फ्रिल्स पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने पहले बोला था कि इसको पूरा स्टिच करके पैक कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरे में इसमें स्टिच लगा ली है। अभी इसको हम अस्तर के बराबर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अस्तर के बराबर कट कर लिया है। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, इसको अभी ऐसे ही रहने देना है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे, तो टक्स हमें किस तरीके से लगाना है वो हम मशीन पे देखेंगे। हमें यहाँ पे ये दोनों में हमें टक्स लगाना है ना, तो आपने भी ये वाला ड्रेस लाइनिंग के साथ लगाया होगा, तब भी आपको ये करना है। तो यहाँ पे हमें तीन लाइन दिख रही है ना, तो सेंटर में जो भी लाइन हमारी यहाँ तक है ना, तो सेंटर में हम एक स्टिच लगा लेंगे। सेंटर पे हमने स्टिच लगा लिया। सेंटर पे हमने स्टिच क्यों लगाई, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक भी अच्छे से उतना ही फोल्ड हो। इसके लिए अगर आपने लाइनिंग नहीं यूज की होगी, डायरेक्ट आपने इसी से बनाया होगा, तो आपको सेंटर में ये सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वाली सिलाई लगा के रख लिया है। अब हम इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट सेम आना चाहिए, और ये जो हमारी दोनों लाइन है ना, वो भी हमारी सेम आनी चाहिए। उस तरीके से हम इसको रखेंगे, फिर यहाँ पे हमने जैसे भी लाइन क्रॉस ड्रॉ की, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये वाले टक्स में हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। इसके ऊपर हम प्रेस चला लेंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम ये साइड वाला जो टक्स है ना, वो लगाएंगे साइड में। सेंटर में मैंने सिलाई लगा रखी है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को ध्यान देना है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया, तो हमने यहाँ पे टक्स में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको प्रेस कैसे करना है ना, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रेस लगानी है ना, तो हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे। ये वाली लाइन को हम साइड फिटिंग वाली लाइन की साइड जाने देंगे, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम पहले प्रेस लगा लेंगे। इसको भी हम नीचे की साइड जाने देंगे, फिर यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। ये कंप्लीट हो गया।
अब हमें इस तरीके का पिलो बना लेना है जो हमने कप से बनाया है। कप को रखना है, इसके अंदर जो भी वेस्ट फैब्रिक रहेगा उसको काट के डाल लेना है। फिर इसके ऊपर हमें कॉटन का फैब्रिक रख के इसको यहाँ से नॉट बना लेनी है। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे। जहाँ पे भी हमें राउंड शेप में प्रेस लगानी रहेगी वहाँ पे हमें ये वाला पिलो यूज़ करना है। फिर हम ये साइड में भी इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड का पूरा कंप्लीट हो गया टक्स लगा के। अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे फिर इसके बराबर हम यहाँ से, इसको तो हमें कट टू कट ही रखना है, यहाँ पे हम कट टू कट रख लेंगे। फिर यहाँ तक हम इसको रख लेंगे। यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है, जहाँ पे भी ये एंड हो रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। फिर इसको हमें इसके ऊपर से निकाल लेना है। अब ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट इतना छोटा हो जाएगा बट उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से योक पार्ट थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए, तभी हमें इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट मिलती है। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। जो भी कट्स थी वो हम लगा लेंगे। अब जो भी हमने सिलाई लगाई थी वो हमारी सिलाई निकल गई है ना, तो एक हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये वाली पट्टी लगाना देखेंगे। बैक पार्ट में मैंने सब रेडी कर लिया है, इस टाइप की पट्टी लगाएंगे। यहाँ से हम डोरी लगाने वाले हैं, तो ये वाली पट्टी को हम किस तरीके से लगाना है और ये वाली पट्टी को हम कैसे ऐसी अच्छी फिनिशिंग के साथ किस तरीके से लगा सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें ये फैब्रिक ले लेना है। ये हमारा ऐसे स्ट्रेट फैब्रिक रहता है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन लाइन दिख रही होगी, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तो इसको आपको क्रॉस में कट करना है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पट्टी। यहाँ से हमें इतना 2 इंच इतनी आपको इस तरीके से पट्टी निकाल लेनी है। यहाँ से आपको 2 इंच या 1.5 इंच इतना एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से हम क्रॉस में पट्टी कट करेंगे। ये पट्टी हम दो कट करेंगे, नहीं तो एक में हो जाएगा ये। अभी इसको हमें लगाना किस तरीके से है वो हम मशीन पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये साइड वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमें ये वाली पट्टी ले लेनी है। देखो ये पट्टी हमारी इस तरीके ऐसे खींचेगी ना, तो ये ऐसे हो जाएगी, उस तरीके की पट्टी निकलेगी। यहाँ से हमें इतना फैब्रिक छोड़ के ही रखना है। 1/2 इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो भी हमने सिलाई लगाई है ना वो हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, 2 लाइन जितना, नहीं तो 1 लाइन जितना। अब हमें ये वाली पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे। फिर यहाँ से हमारा अंदर का जितना भी फैब्रिक है उतना हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड से देखेंगे तो देखो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको आपको ध्यान से कट करना है। जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना वो हमारा कटना नहीं चाहिए। हमने कट कर लिया, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जितना भी हमने पट्टी लगाई है ना उसके बराबर हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे हम किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच लगा के हो जाएगा, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो देखो ये हमारी पट्टी लगा के हो गया, इसको हम प्रेस लगाएंगे ना तो इसकी फिनिशिंग भी ऐसी हो जाएगी। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, जैसे भी हमारे रेडीमेड फैब्रिक में आती है उसी तरीके की हमारी फिनिशिंग रहेगी। अंदर की साइड से ऐसा रहेगा और फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम यहाँ पे जो पट्टी लगाने वाले हैं वो पट्टी हम किस तरीके से लगा सकते हैं वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ से ये वाली पट्टी को भी सेम तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा रहना चाहिए, फिर यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है।
अब हमें इसको किस तरीके से फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हम इसमें ना कट्स लगा लेते हैं। ये कट्स लगा के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इतना ज्यादा फैब्रिक है तो इसको हम यहाँ से इतना कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे ना, तो इसको हम यहाँ से इतना क्रॉस फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको इतना फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको इतना क्रॉस में फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए हम इतना क्रॉस फोल्ड करेंगे, क्रॉस फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे देखो इतना फैब्रिक बचेगा, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये कट करके हो गया। अब ये फैब्रिक को हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो देखो मैंने यहाँ पे हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, इतना ज़्यादा मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम इतना इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको क्रॉस में फोल्ड करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कट करना रहेगा तब भी चलेगा, फिर नीचे से मोटा रह जाएगा ना, इसके लिए मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम हाफ इंच इतना फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड करके हो गया। अब हम इसको बैक साइड से ले लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको इसके बराबर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे इतना क्रॉस फोल्ड किया, इसके लिए हमारा ये फैब्रिक फ्रंट साइड से नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमें इसको पैक नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी लगानी है। अब यहाँ से हम स्टिच लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो भी पट्टी लगानी है ना, वो कैसे लगानी है वो देखेंगे। हम देखेंगे कि हम नीचे की जो फ्रिल्स रहती है ना, वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.75 जितना मार्जिन यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया था ना, वो हमें ऐसे छोड़ लेना है। यहाँ पे हमें प्लेट्स नहीं लगानी है। फिर हम यहाँ से इस तरीके से प्लेट्स लगाते जाएंगे, ऐसे हम पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमने 0.75 इंच का गैप रखा है। अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे, तो प्रेस हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें इसको पकड़ना है, ये वाली प्लेट्स को हम ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे पकड़ के फिर यहाँ पे हम प्रेस चला लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रेस लगा के कम्प्लीट कर लिया। प्रेस कैसे मैंने लगाई, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरीके से ऐसे हमें इसको पकड़ना है, ऐसे रख के फिर यहाँ पे आपको प्रेस चला लेनी है। सिर्फ आपको यहाँ तक ही प्रेस लगानी है, नीचे प्रेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो यहाँ पे लगाने वाले हैं ना, यहाँ पे डोरी लगाने के लिए, ये वाला जो मैंने रेडी कर लिया है, इसको मैं अभी इसके बाद समझाऊंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले आप यहाँ पे जो भी हम लगाने वाले हैं वो पहले समझ लो। तो उसके लिए हमें ये दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर लेंगे हम, यहाँ पे हम एक कट्स लगा लेंगे, नहीं तो आप मार्क भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया। जो भी हमने सेंटर लिया, और यहाँ से अब ये दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। उससे पहले हम यहाँ पे 0.75 इंच का हमने क्या लिया था, तो मार्जिन लिया था ना, तो उसको छोड़ लेना है। 0.75 इंच का मार्जिन रहेगा ये, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे। ये मार्जिन को नहीं लेना है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा ये जो हमने मार्क किया है ना, ये हमारा यहाँ पे आएगा ना, तो हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब ये तो हमारा सिलाई का रहेगा, ऐसे हमने मार्क करके हो गया। अब हमें जो भी हमने मार्क किया है ना, वहां से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, सेंटर में पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक मार्क हम यहाँ पे 1 इंच पे करेंगे, और यहाँ पे भी हम एक 1 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो भी हमने 1 1 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना ली। अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है, ये आपको 1.5 इंच इतना ले लेना है। अब यहां से हम इसको
इतना फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रख के जो भी हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, यहाँ तक हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से हमें इतना फैब्रिक कट कर लेंगे, फिर जो हमने लाइन बनाई है ना वहां तक ही हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करके हो गया, फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको उल्टा करेंगे, फिर जितना भी हमारा योक पार्ट है ना उसके बराबर हम इसको कट कर लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे हमारी डोरी आएगी, सेम आपको बैक पार्ट में भी कर लेना है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो हमने ये यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगाई है, तो ये इलास्टिक को हम किस तरीके से कट कर सकते हैं और हमें कितने इंच की कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। बैक पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपको ये वाली इस तरीके की पतली जो इलास्टिक आती है ना वो ले लेनी है। इलास्टिक को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर यहाँ तक हमारी इलास्टिक कितनी आएगी उतना हम कट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इतनी आ रही है, तो इतना हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको इतना रखा है, ये कट कर लेना है। इसको हम ओपन करेंगे। अब हमें एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, फिर इलास्टिक को हम इस तरीके से इसमें रखेंगे, ऐसे डाल देंगे ऐसे, फिर यहाँ से हमें इसको अंदर डालते जाना है इलास्टिक को। तो जो हमने ये वाली सिलाई लगाई है ना यहाँ तक हमारी इलास्टिक जानी चाहिए। यहाँ तक हमारी इलास्टिक आ गई है अंदर। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूंगी। अब हम इलास्टिक को ऐसे खींचते जाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमारी अपने आप प्लेट्स बनती जाएगी। अब यहाँ तक हमारी इलास्टिक आ गई। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको इस तरी यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ पे इलास्टिक लगाने के बाद मैंने इसके अंदर से ये वाली पतली डोरी भी लगा ली। ओके, डोरी को कैसे मैंने लगाया है मैं दूसरी साइड पे बताती हूँ। हमारा गैप बचा है ना उसके अंदर हम डोरी को डाल देंगे। ऐसे रखने के बाद इसको अच्छे से अंदर डाल देना है, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ये वाली डोरी को स्टिच कर लिया है, दोनों साइड से हमने ऐसे डोरी को स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें भी प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस हम कैसे लगाएंगे, तो ये जो हमारी जितनी भी जैसे भी प्लेट्स पड़ रही है ना उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे। कम कम में प्लेट्स लगानी है, ऐसे आपको पकड़ना है, फिर यहाँ पे आपको प्रेस चला लेनी है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे पकड़ के यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है, फिर आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ के प्रेस लगा लेनी है। ओके, ताकि ये हमारा फैब्रिक एकदम सेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने से इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी, बैक साइड से भी आप देख सकते हो। तो बैक साइड का हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट को ले लेना है। उसके ऊपर जो भी हमने फ्रिल्स बनाए हैं ना इसको हम उल्टा रखेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे इसके बराबर हम मिलाते जाएंगे, फिर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करेंगे ना तो यहाँ पे हमारी जो पहले हमने फ्रिल्स बनाई थी उसकी जो सिलाई रहेगी ना, अगर आप आपकी सिलाई यहाँ पे दिख रही होगी तो आपको उसको निकाल लेना है। ओके, अब हम पहले यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे हमने तो ये वाली ही फ्रिल्स लगाई है ना, नीचे की हमारी फ्रिल्स बाकी है तो उसको हम लास्ट में लगाएंगे, एक साथ लग जाएगी इसके लिए। अब ये वाले पार्ट्स को हम ऐसे उल्टा रख लेंगे, ये हम उल्टा रखेंगे इसको। उसके ऊपर बैक पार्ट को भी मैंने रेडी रखा है, तो बैक पार्ट को हम यहाँ पे सीधा रख लेंगे।
बैक पार्ट को हमने सीधा रख लिया। अब ये जो हमारी साइड वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे हम दोनों को मिला लेना है। फिर यहाँ पे हमें एक लाइन जितना गैप छोड़ के यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। ओके, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, वो हम यहाँ तक, ये पार्ट है ना, यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी इसको रखेंगे, फिर यहाँ तक हम स्टिच लगा लेंगे, ये वाले पार्ट तक। ओके, सिर्फ एक लाइन का ही गैप रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वाली लेस और ये सब लगा के रखा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इतना गैप छोड़ दिया है। ओके, अब हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से। आपको ना ये वाली सिलाई सिर्फ एक साइड ही लगानी है, मैंने दोनों साइड लगा ली है, बट मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है। देखो, अगर आपको दोनों साइड लगानी रहेगी तो आपको नीचे की साइड से इतना 3-4 इंच इतना यहाँ पे छोड़ लेना है, जहाँ यहाँ से हमारी दूसरी प्लेट्स आएगी ना, वहां से आपको इतना छोड़ लेना है, अगर आपको दोनों साइड पे सिलाई लगा ली होगी तब। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये हमने उल्टा कर लिया, अब जो भी हमारी ये सिलाई है ना, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। फिर यहाँ पे अब हमें 0.25 इंच या एक लाइन जितना इसको हम स्टिच कर लेंगे। कोई भी एक साइड आपको पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेना है और एक साइड में आपको इतना गैप रखना है, इससे भी ज्यादा रखोगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारा अंदर की फिनिशिंग देखो एकदम परफेक्ट रहेगी। मगर आपने यहाँ पे 0 पॉइंट्स मतलब उससे भी 1/2 इंच इतना ही गैप छोड़ा होगा ना, तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको कपड़ा कम पड़ जाएगा। आपने ज्यादा गैप छोड़ा होगा तभी आप इस तरीके की फिनिशिंग दे सकते हो। अब हम सेम तरीके से इस साइड भी स्टिच लगा लेंगे। बाकी का जो स्टिच है ना, वो नीचे का हमारा ये बाकी है ना, वो कंप्लीट करने के बाद लगाएंगे। तो ये सब मैंने कैसे लगाया वो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखना। तो ये हमारी ड्रेस रहेगी, सीधी ड्रेस के ऊपर लेस को हम उल्टा रख लेंगे। इस तरीके से हमें लेस को उल्टा रख लेना है ऐसे, फिर एक लाइन जितना गैप रख के हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे, फिर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रिल्स है ना, इसको हमें इसके ऊपर उल्टा रख लेना है। फ्रिल्स मैंने जैसे भी आपको मैंने फ्रिल्स कैसे लगानी है वो दिखाया है ना, सेम ही तरीके से मैंने फ्रिल्स बना दी थी, उसके ऊपर मैंने प्रेस चला ली है। अब फ्रिल्स को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, फिर यहाँ पे हम एक लाइन जितना गैप छोड़ के यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अगर आपकी फ्रिल्स यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे है तो आप इसको स्ट्रेट कट कर सकते हो। अब देखो यहाँ तक हमने फ्रिल्स लगा ली और ये हमारी फ्रिल्स एक्स्ट्रा बची है ना, तो इसको मैं कट कर लूंगी। अगर आपको इसको भी अंदर एडजस्ट करना है ना, तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा भी प्लेट्स नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है। सीधा करेंगे, फिर यहाँ पे भी हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारी सिलाई दिख रही है ना, तो इसको आपको निकाल लेना है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारी सिलाई लगानी बाकी है ना, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सीधा रखेंगे फैब्रिक को, इतने में हमने सिलाई नहीं लगाई थी ना, यहाँ पे हम फैब्रिक को सीधा रखेंगे, सॉरी सीधा मतलब तो ऐसे हुआ ना, सीधा ऐसे रखेंगे, सीधा रखेंगे, फिर एक लाइन जितना हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक ऊपर नीचे रहेगा तो आप इसको कट कर सकते हो। अब हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद जो भी हमने सिलाई लगाना बाकी रखा था ना, वहां से हम स्टिच लगा लेंगे। अब हमें नीचे के पार्ट्स को डबल फोल्ड करके पूरे फ्रिल्स में स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हम एक फोल्ड करेंगे, फिर वापस से फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच लगा लेंगे। ऐसे आपको पतला ही रखना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने नीचे की साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया है। अब हमारा हमें इसको फिटिंग करना बाकी है ना, ये जो हमने डोरी लगाई है ना, वो आपको फ्रंट पार्ट में भी इस तरीके से लगा लेनी है और बैक पार्ट में भी इसी तरीके से लगा लेनी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने फिटिंग किया है, तो फिटिंग हम कैसे कर सकते, तो फिटिंग आप कैसे करो कि आपको जो ये वाला जो हमारा ड्रेस है ना, आपको कैसा चाहिए, लूज फिटिंग चाहिए ना, तो आप यहाँ से हाफ इंच के गैप पे ही स्टिच लगाओ, नहीं तो फिर आपको बॉडी के हिसाब से प्रॉपर फिट चाहिए, ऊपर से फिट रहेगा, यहाँ पे तो हमारी फ्रिल्स आएगी बट यहाँ पे चेस्ट पे और कमर पे टाइट रहेगा, उस तरीके का चाहिए तो आप क्या करना, आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसका आपको हाफ करना है, फिर इंची टैप को इस तरीके से रख के यहाँ पे मार्क कर लेना है, सेम आपको कमर का भी करना है। ओके, आप ये फिटिंग आप ऐसे करो कि आपको जिस तरीके से ड्रेस पहनना पसंद हो, लूज चाहिए तो आप यहाँ से कम फिटिंग करो और टाइट चाहिए तो आप यहाँ से ज्यादा फिटिंग करो। ओके, इसके लिए मैंने इसको फिटिंग कर कैसे करना है वो सिर्फ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप अपने हिसाब से फिटिंग कर सकते हो, ये ड्रेसेस हमारा लूज फिटिंग टाइप का है, तो आप कैसे भी इसको पहनना चाहो ना, तो उस तरीके से आप इसको फिटिंग करके पहन सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पहनोगे ना, तो ये हमारा ऐसे ऊपर उचका हुआ नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी ना, तब आपको मैं समझाऊंगी। अब हमने तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके की टेसल्स बनाई हैं, ये हमने किस तरीके से बनाई वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे फिटिंग कर ली, आपको भी इसी तरीके से फिटिंग कर लेनी है, फिर हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो टेसल्स बनाए थे वो हमने किस तरीके से बनाए। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, उसको मैंने राउंड में कट कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक को साथ में रखा है, फिर जो भी मैंने राउंड शेप दिया है उसमें मैंने डबल सिलाई लगा ली है। राउंड शेप आपको कितने इंच का लेना है, तो आप 4 इंच 5 इंच का राउंड शेप ले सकते हो, जितना भी आपको बड़ा टेसल्स चाहिए उसके हिसाब से। अब जो भी मैंने स्टिच लगाए हैं ना, उसके बाहर की साइड का जो कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ। यहाँ से कट कर लेना है, कट करने के बाद इसमें हमें कट्स लगानी है, तो कट्स हमें इस तरीके से लगानी है, जो भी हमने सिलाई लगाई है ना वो हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमने कट्स लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट करके हो गया, यहाँ पे हमें दो टेसल्स साथ में मिल जाएंगे, तो यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा करेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर प्रेस चला लेनी है। सेम तरीके से इसको भी हम सीधा कर लेंगे, ऐसे हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे भी हमें प्रेस चला लेनी है, प्रेस चलाने से ये प्रॉपर सेट हो जाता है इसके लिए। अब यहाँ पे हमें वाइट कलर की हमारा टॉप है ना, ड्रेस है, तो यहाँ पे हम मैंने इससे छोटा राउंड ले लिया है, पूरा राउंड ही मैंने ले लिया है, फिर मैंने इसके ऊपर कैनवास पेपर चिपका लिया है। अब जितना भी हमारा कैनवास पेपर है उसके बराबर हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, फिर हमें कितना छोटा रखना है इसको इस तरीके से सेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हमने स्टिच लगा के हो जाएगा, देखो ऐसे ध्यान से स्टिच लगानी है, ये स्टिच लगा के हो गया। अब उल्टा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा, इसको हमने कट कर लिया, तो देखो ये फ्रंट साइड से इसका लुक ऐसे हो जाएगा। अब हमें डोरी ले लेनी है, डोरी को बीच में रख के हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद
यहाँ से हम स्टिच लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद आपको स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखो ये हमारा नॉर्मल टेसल्स रेडी हो गया। अब इसके नीचे जो भी हम लगाने वाले हैं वो हमने किस तरीके से बनाया है, तो देखो इस तरीके का जो धागा मिलता है ना मोटा वाला, वो आपको ले लेना है। फिर इसके बराबर जितना भी आपको बड़ा टेसल चाहिए उसके बराबर हम इसको इस तरीके से राउंड राउंड करते जाएंगे। मुझे बहुत बड़ी साइज़ का नहीं चाहिए तो मैंने इसको उंगली में फंसा के इस तरीके से राउंड राउंड इसको राउंड कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको मैंने कट कर लिया, जितना भी हमें चाहिए ब्रॉड उसके हिसाब से हमें राउंड करते जाना है। सेंटर में हमें धागे को वापस से ले लेंगे, सेंटर पे हमें नॉट बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे। अभी नॉट नहीं बनाना है, फिर इसको चेक करेंगे कि हमारा दोनों साइड का परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखो नीचे का परफेक्ट है कि नहीं वो देखना है पहले, फिर यहाँ पर हम टाइट नॉट बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा था उसको हमने कट कर लिया। अब इसको हम उल्टी साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो जो भी हमने कट किया है ना धागा वो भी हमारा अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। फिर यहाँ पे हमें एक और नॉट बना लेना है, ऐसे धागे को कर लेना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ ना आपको अच्छे से दिख रहा है ना, उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। यहाँ पर भी हमें टाइट नॉट बना लेना है। यहाँ पे हमने नॉट बना के हो गया, एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे। अब नीचे का जो डबल है ना उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ऐसे हम जो भी हमें डबल दिख रहा होगा ना फोल्ड किया हुआ वो, इसको हम यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब हमें कोम की मदद से इसको ऐसे कर लेना है ताकि हमारा जो धागा है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब नीचे की साइड से हमारा धागा ऊपर नीचे है तो इसको हम अच्छे से पकड़ के स्ट्रेट में कट कर लेंगे। ये हमने इसको कट करके हो गया। तो देखो ये हमारा छोटा टेसल रेडी हो गया। अब इसको हमें इसके अंदर लगाना है इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से हम लगाएंगे ना तो हमारे टेसल्स का लुक हमारी टॉप से मैच भी होगा और रेडीमेड भी लगेगा। अब हमें सुई धागे की मदद से जहाँ से हमने इसको सिलाई लगाई थी ना उसके अंदर से मैंने सिलाई को ऐसे सुई को अंदर जाने दिया है। फिर ये छोटे वाले टेसल्स को हमने इसके अंदर लगा लिया। ऐसे जितना भी आपको बाहर की साइड दिखे उतना चाहिए आप उस तरीके से आप रखोगे। फिर यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है हाथ से। एक ही सिलाई आपको इसके ऊपर से लगानी है, बाकी जो भी सिलाई लगाओगे ना वो हमारी सिलाई अंदर दिखनी नहीं चाहिए। तो पीछे की साइड से हम इसको ऐसे करेंगे। फिर जो छोटा वाला टेसल्स है ना उसको हम यहाँ पे कपड़े के साथ अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा निकलना नहीं चाहिए उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छे से नॉट बना लेना है। ये हमने यहाँ पे नॉट बना के हो गया। अब हम इसको जैसे भी था वैसे सीधा कर लेंगे। तो देखो ये हमारा टेसल्स बन के रेडी हो गया। सेम तरीके से आपको दूसरा भी कर लेना है। यहाँ पे आपको पहले एक ही बनाना है, दूसरा अभी नहीं बनाना है। हमने कुर्ती को सीधा करके रख लिया है। अब जो भी हमने ये दोरी बनाई है ना आपको एक ही लटकन बनाना है ना, एक साइड का नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगा लेनी है। और ये हमारी सीधी साइड है ना, तो हम यहाँ पे आपको कहाँ पे ये वाली दोरी चाहिए ना वो आपको डिसाइड कर लेना है। यहाँ पे आपको ये वाली दोरी चाहिए तो आप क्या करना, यहाँ से ये हमारी फ्रंट साइड है तो ये दोरी को हमें इसके अंदर डाल लेना है। जो हमने दोरी लगाने के लिए बनाया है ना इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में ये दोरी लगा ली। अब यही दोरी को हमें बैक साइड भी लेके जाना है। तो कुर्ती को हम ऐसे पीछे की साइड कर लेंगे। फिर ये हमारी दोरी यहाँ पे है ना, इसको हम यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। अब हम कुर्ती को वापस से सीधा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी दोरी आ गई। अभी हमें कितनी लंबी दोरी चाहिए ना, यहाँ पे मेरी दोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो मैं तो उसको तो मैं कट कर दूंगी। फिर
जैसा भी हमने यहाँ पे टेसल्स बनाया है ना, सेम टेसल्स हम यहाँ पे भी ये वाली डोरी में भी बना देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ना हमारी लेस किस तरीके की थी, ये वाली लेस थी ना, तो मैंने यहाँ पे इस ये वाली लेस तो सेंटर में देखो ऐसे डिजाइन बनी हुई थी ना, तो उसको मैंने कट कर लिया, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको भी जैसे भी हमें रेडीमेड लेस मिलती है ना, उसको हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहेगा ना, तो इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बीच में इस तरीके की डिजाइन बनी हुई थी, उसको मैंने कट कर लिया है, तो इसका लुक एकदम रेडीमेड कुर्ती के जैसा आएगा। देखो ओके, जब हमने ये वाली लेस लगाई थी ना, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा था, थोड़ा ये लेस जो हमने लगाई थी ना वो इतना दिख के नहीं आ रही थी। हमने सेंटर का जो डिजाइन रखी थी ना, उसको हमने कट कर लिया, तो ऐसे होल जैसा हो गया, तो देखो इसका लुक भी बहुत अच्छे से दिखेगा। ओके, अब हम यहाँ पे ये वाला टेसल्स बना देती हूँ, फिर मैं आपको इसको वेयर करके इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। तो देखो ये रहा हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। यहाँ पे हमारे जैसा कि मैंने फिटिंग करते टाइम बताया कि जितना भी हमारे चेस्ट रहती ना, उसका हमने हाफ करके मार किया ना, तो देखो तो यहाँ से ये इतना टाइट रहेगा। अगर आपको लूज फिटिंग वाला बनाना रहेगा ना, तो आप हाफ इंच का ही गैप सिलाई लगा लेना। आपको ड्रेस की फिटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।